बीजेपी विधायक को कोटा जाने के लिए पास देने वाले एसडीओ को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन सरकार के इस निर्णय से बिहार प्रशासनिक सेवा संघ बासा काफ़ी नाराज है, बेहद नाराज है। और उसकी नाराजगी की वजह क्या है जानने की कोशिश करते हैं इसके अध्यक्ष शशांक शेखर सिन्हा से। नाराजगी किस बात को लेकर है, क्योंकि पास तो दिया गया है एसडीओ के द्वारा विधायक को कोटा जाने के लिए, अपनी बेटी को लाने के लिए, तो सरकार ने इस पर अपना जो एक्शन लिया उस पर क्या नाराजगी किस बात को लेकर, किस बिंदु पर? सरकार का यह निर्णय बहुत ही अन्यायपूर्ण और दुर्भाग्यपूर्ण है और जल्दबाजी में लिया गया निर्णय है। हमारे बिहार प्रशासनिक सेवा के लगभग 1,000 पदाधिकारी अभी क्षेत्र में इस महामारी से लड़ रहे हैं और सरकार के इस निर्णय से पूरा का पूरा जो हम लोग का ये संघ है बहुत ही हतोत्साहित हुआ है। मूल चीज है कि ये जो इंटर स्टेट पास इशू करने का अधिकार डीएम को दिया गया था, डीएम ने इसे डेलीगेट गलत तरीके से किया और इस पर्टिकुलर मामले में जिला पदाधिकारी ने एसडीओ को मौखिक रूप से आदेश भी दिया कि आप जो है सो इस पास को निर्गत करें इनका, और यह बिल्कुल गुडविल जो होता है पदाधिकारी का एक सीनियर जूनियर के बीच का उसको उल्लंघन, और वही पदाधिकारी फिर आरोप भी भेजते हैं, तो यह बहुत ही दुखद है। इसलिए संघ मांग करती है कि इसके लिए अगर कोई उत्तरदायी है तो जिला पदाधिकारी नवादा स्वयं है। वैसे भी अगर बिहार में देखा जाए तो बिहार सरकार ने कोटा में जो भी छात्र फंसे हुए हैं, जो पढ़ रहे हैं, उनको लाने के लिए तैयार नहीं है और कोई अनुमति भी नहीं है। तो ऐसे में बीजेपी विधायक को अनुमति दी गई वहां जाने के लिए, इसको लेकर सवाल उठाया गया। लेकिन अकेले बीजेपी विधायक नहीं है, कई ऐसे मामले हैं जिसमें लोगों ने पास लिया है और अपने बच्चे को लेके आए हैं। अब ये भी मांग की जा रही है कि उन सब पर भी कार्रवाई की जाए। हमारे साथ महासचिव अनिल कुमार जी हैं। ये बताइए, आपके पास कोई आंकड़ा है कि और भी जो इस डिस्ट्रिक्ट हैं उसके जिला पदाधिकारी डीएम वगैरह कितने पास उन्होंने निर्गत किए हैं पूरे कोटा जाने के लिए? मैं दो बिंदु स्पष्ट करना चाहता हूँ। सबसे पहले जो डेलीगेटेड पावर का एक्सरसाइज एसडीएम नवादा ने किया है, एक तो उन्हें ये पावर नहीं था कि उस पावर को वो फर्दर अपने सबॉर्डिनेट को डेलीगेट करें। अगर उसने डेलीगेट किया और वो डिसीजन लिया, अगर वो गलत डिसीजन है, अगेन डीएम नवादा इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल और उनको भी सस्पेंड होना चाहिए। दूसरी बात, जहां तक संख्या की बात है, पटना में हम आपको साक्ष्य भी दे देंगे। एक साक्ष्य मेरे पास आ गया है, मुजफ्फरपुर जिला का साक्ष्य आ गया है, हमारे पास भोजपुर जिला का साक्ष्य आ गया है, जहां पर जिला पदाधिकारी के अनुमोदन उपरांत पास निर्गत किए गए। और हम लोगों को ऐसी जानकारी मिल रही है कि कोटा का मामला कम से कम बिहार में 700 से ऊपर है और पटना के 20 वीवीआईपी के बच्चों को कोटा से लाने के लिए पास निर्गत किया गया है, इंटर स्टेट पास। तो केवल बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी को क्यों निलंबित किया जाएगा? भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी अगर वो अगर निर्गत किए तो उनको भी सरकार निलंबित करे ना, ये तो समानता का अधिकार का उल्लंघन है। बिल्कुल, और सरकार ने ऐसा कोई निर्देश भी नहीं दिया था कि कोटा के लिए कोई पास निर्गत नहीं किया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि अगर एसडीओ को निलंबित किया गया है पास देने की वजह से, तो फिर जिन जिला अधिकारियों ने, जिन जिलों के डीएम ने पास को निर्गत किया है खासतौर पर कोटा जाने के लिए, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी बासा की मांग है। कैमरामैन नदीवालम के साथ सुजीत कुमार झा, पटना।